खबर बाराबंकी के सोनी गौस स्टेशन में हुई, जहां पुलिस प्रमुख पेश चका नेता मौलाना असलम की आरा मशीन पर पुलिस ने मारा छापा। मौके पर आम, शीशम, सागौन की प्रतिबंधित लकड़ी भारी मात्रा में हुई बरामद। मौलाना असलम के भतीजे अरशद एवं सहरी के पूर्व प्रधान मोहम्मद कलाम के पुत्र शोएब पर मुकदमा हुआ दर्ज। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर में पूर्व प्रमुख सिरोली गौस पर मौलाना असलम की आरा मशीन पर प्रतिबंधित बिना परमिट सागौन व शीशम की लकड़ी भारी मात्रा में छिपाकर रखी होने की सूचना पर बदोसराय प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने हमराही पुलिस बल के साथ छापा मार कर लकड़ी बरामद कर मौके से आरा मशीन का संचालन कर रहे अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वन रेंजर सुबोध कुमार शुक्ला ने बताया, सोए पुत्र कलाम के नाम 30,000 का जुर्माना कर दिया गया है। आगे जाटो। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।